मंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि एक मन की बात करते हैं तो दूसरे मौन रहते थे। लेकिन अब बदलते दौर के साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बोलना शुरू कर दिया है। लगातार कठुआ कांड पर मोदी को उनकी चुप्पी पर तंज कस रहे हैं। इस बार मनमोहन सिंह ने कहा कि आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मौन धारण क्यों किया है, मुझे तो सलाह दिया करते थे तो अब क्यों चुप है। आपको बता दें कि साल 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था तब मोदी ने कहा था कि दिल्ली के लोग को वोट देने जाते समय निर्भया कांड को याद करना चाहिए। वहीं अब उनकी सरकार में इतना बड़ा जघन्य अपराध हो गया तो कहते हैं कि इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। इन्हीं बयानों से मोदी सरकार को मनमोहन ने कटघरे में खड़ा कर रखा है। वहीं इस बयान के बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मनमोहन के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस की तुलना मोदी सरकार से करना गलत है। कानून मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जघन्य अपराध की घटनाओं को शर्मनाक और अमानवीय बता चुके हैं और कठुआ कांड में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और आप अपनी तुलना देश के लोकप्रिय पीएम से नहीं कर सकते। प्रसाद ने तंज कसते हुए कहा कि मनमोहन सिंह जी, आपकी आवाज सुने बहुत दिन हो गया, आज आप बोले हैं तो बहुत अच्छा लगा है। SP9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।